The original gara had silk floss embroidery in white and occasionally in pastel shades on sal gajji silk, which was generally purple, red and black in color. ये एम्ब्रॉयडरी इतनी नाजुक होती थी कि एक डिजाइन की एक लाइन बनाने के लिए अलग अलग कलर्स का एक एक धागा बुना जाता था। इस साड़ी के चारों तरफ बारीकी से डिजाइन बनाया जाता है। इसमें खाका काम का एक स्टिच लगाया जाता है जो बहुत ही इंट्रिकेट और कॉन्सेंट्रेशन से किया जाने वाला काम है। India is the country which has its unique art forms, traditions and various cultures. Ancient times se India mein bahut sare kalaye aur cultures existence mein hai. In cultures aur traditions ke wajah se hi hamara naam duniya mein roshan hai. In art forms, cultures ko dekhne ke liye, experience karne ke liye aur kharidne ke liye pure world se kai sare tourists India aate hain aur itni adbhut kalakari aur intelligent artists dekh ke surprise bhi ho jate hain. इंडिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां कुछ यूनिक आर्ट फॉर्म देखने ना मिले। इंडिया के हर रीजन में पेंटिंग, डांस, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, फैब्रिक डिजाइनिंग से रिलेटेड तरह तरह के आर्ट फॉर्म्स देखे जाते हैं। उन रीजन के ट्रेडिशंस और वहां का कल्चर भी इन्हीं आर्ट फॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये आर्ट फॉर्म्स हमारे कंट्री की हिस्ट्री, हेरिटेज और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करती हैं। ये हमारे कंट्री का एक इनवैल्यूएबल हिस्सा है क्योंकि वो हमारे लेगेसी को बरकरार रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन निभा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से इन आर्ट फॉर्म्स और कल्चर्स का एग्जिस्टेंस कम होते जा रहा है और कई सारे फैक्टर्स के कारण ये डिक्लाइनेशन फेस कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया की शान माने जाने वाले ये आर्ट फॉर्म्स अब एंडेंजर्ड जोन में आ गए हैं। इन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचाना है तो हमें इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज के थ्रू हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे ही कुछ एंडेंजर्ड आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चैतन्य एंड आई एम सो डिलाइटेड टू वेलकम यू टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज। ये एक बहुत ही स्पेशल सीरीज है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं एंडेंजर्ड आर्ट एंड कल्चर के बारे में। एंडेंजर्ड मतलब ऐसे आर्ट एंड कल्चरल फॉर्म्स जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होने के कगार पर है। हम ऐसे आर्ट और कल्चर के बारे में जानेंगे तभी तो हम उनका अवेयरनेस बढ़ाकर उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचा पाएंगे, राइट? बचपन से ही हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है और उसी हुनर को पेरेंट्स पहचान कर बच्चे को किसी ना किसी हॉबी क्लास में एनरोल करते जरूर है। यही हॉबी इंसान को जिंदगी में बहुत काम आता है। जब भी सैड फील हो रहा हो, टाइम नहीं कट रहा हो, अकेलापन लग रहा हो, तब ये हॉबी इंसान की स्ट्रेंथ बरकरार रखता है। कई सारे ऐसे लकी लोग होते हैं जो अपने हॉबी को पैशन में बदलने में कामयाब होते हैं और इसी से आगे जाकर बिजनेस भी कर पाते हैं। ये जितने भी हॉबीज हैं वो सारे किसी ना किसी आर्ट के ही फॉर्म होते हैं और यही आर्ट फॉर्म्स एविडेंटली किसी ना किसी कल्चर को भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे अनगिनत आर्ट एंड कल्चर फॉर्म्स है जो सालों से एग्जिस्टेंस में रहे हैं। अब हम एक एक करके इनमें से एंडेंजर्ड आर्ट एंड कल्चर को जानेंगे। I'm sure you'll be amazed to know such a diverse range of art forms and cultures. So let's start exploring them. तो इस सीरीज की शुरुआत करते हुए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पारसी एम्ब्रॉयडरी आर्ट फॉर्म की। इंडिया में टेक्सटाइल हेरिटेज का डाइवर्स रेंज पाया जाता है। इसी डाइवर्स रेंज का यूनिक पार्ट है पारसी एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी मतलब किसी भी कपड़े पर धागे से कढ़ाई करना। पारसी एम्ब्रॉयडरी पर इंडियन कल्चर के साथ साथ यूरोपियन, चाइनीज, पर्शियन कल्चर का भी इन्फ्लुएंस पाया जाता है, लेकिन इसका ओरिजिन ईरान में पाया जाता है। आजकल पारसी एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन देखने बहुत ही रेयर साइट हो गया है, लेकिन थैंक्स टू गारा सारीज, गारा सारीज में हम इस एम्ब्रॉयडरी को देख सकते हैं और इसी वजह से आज ये आर्ट फॉर्म एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, बट थैंकफुली एक्सटिंक्ट होने से बचा हुआ है। गारा सारीज सिर्फ फैशन में ट्रेंडिंग नहीं है बल्कि टेक्सटाइल की हिस्ट्री में भी इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है।
तो आइए जानते हैं इन सारीज की और इन डिजाइन्स की ओरिजिन के बारे में। गारा सारीज लगभग 150 सालों से एग्जिस्टेंस में है। इनके रूट्स ब्रॉन्ज एज पर्शिया में पाए जाते हैं। इन सारीज में तरह तरह के डिजाइन होते हैं, जैसे अलग अलग बर्ड्स एंड फ्लावर्स। इनके एस्थेटिकल कॉन्सेप्ट्स और सिंबल्स ज़ोरास्ट्रियन साइकी को रिप्रेजेंट करते हैं। माना जाता है सबसे पहले सारीज में ये डिजाइन चाइनीज कारीगरों ने बनाए थे। फिर 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में जब वेस्टर्न इंडियंस और चाइनीज लोगों के बीच ट्रेडिंग हुआ, तब ये सारीज इंडिया में बिकने के लिए आ गई। जितने भी पारसीज चाइना ट्रैवल करते थे, वो अपने घर की औरतों के लिए ये सारीज लाया करते थे। इनमें बने मोटिव्स और सिंबल्स इतने खूबसूरत होते थे कि हर औरत का ख्वाब होता था ऐसे सारीज उनके पास जरूर हो। द ओरिजिनल गारा हैड सिल्क फ्लॉस एम्ब्रॉयडरी इन व्हाइट एंड ओकेजनली इन पेस्टल शेड्स ऑन सल गज्जी सिल्क, विच वॉज जनरली पर्पल, रेड एंड ब्लैक इन कलर। ये एम्ब्रॉयडरी इतनी नाजुक होती थी कि एक डिजाइन की एक लाइन बनाने के लिए अलग अलग कलर्स का एक एक धागा बुना जाता था। ज़ोरास्ट्रियन कल्चर के साथ साथ इन सारीज में नेचर के एलिमेंट्स भी रिप्रेजेंट किए जाते थे, जैसे ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट, फिश लाइफ एंड द डिवाइन फंगस, द बर्ड ऑफ पैराडाइज एंड 30 फ्लावर्स रिप्रेजेंटिंग एज मेनी एंजल्स, लोटस एंड पीकॉक, ऐसे मोटिव्स का एसेंस पाया जाता था। जिसे यह साफ हुआ कि अब इस एम्ब्रॉयडरी की कारीगरी में इंडियन सॉइल का भी टच ऐड हुआ था। लगभग सारे मोटिव्स टिपिकल गारा से सजे हुए होते थे या झबला इस डिजाइन को रिप्रेजेंट करते, जो ओवरराइडिंग फील ऑफ हार्मनी, रिचनेस एंड ग्रैंड्योर का एक डेलिकेसी है। सालों साल इन गारा सारीज के डिजाइन्स में डेवलपमेंट्स होते गए, लेकिन ओरिजिनल पारसी आर्ट के एसेंस को ना गवाते हुए ये सारीज पारसी कल्चर को आज भी रिप्रेजेंट करते आ रही है। इसीलिए इन्हें पारसी सारीज भी कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि पारसी सारीज आर स्टाइल एंड एलिगेंस पर्सोनिफाइड, तो वो एग्जैजरेशन बिल्कुल नहीं होगा। ट्रूली पारसी सारीज आर वेरी पिक्टोरियल, स्मूथ फ्लोइंग लाइक अ कंपोजिशन, एस्थेटिकली कलरफुल एंड डेलिकेटली प्रेजेंटेड। यू वोंट बिलीव, ये एक साड़ी तैयार करने के लिए 6 महीने का वक्त लगता है। इस साड़ी के चारों तरफ बारीकी से डिजाइन बनाया जाता है। इसमें खाका काम का एक स्टिच लगाया जाता है, जो बहुत ही इंट्रिकेट और कॉन्सेंट्रेशन से किया जाने वाला काम है। सालों तक ये धागा लगाने वाले कुछ कारीगर अपनी नजर कमजोर होते हुए पाते हैं, इतना नाजुक काम है ये। इसीलिए इसे फॉरबिडन स्टिच भी कहा जाता है। ज्यादातर इन धागों का कलर कॉम्बिनेशन पिंक और वॉयलेट होता है। इतनी बारीकी से काम किए जाने की वजह से ये सारीज थोड़ी सी महंगी भी होती है, क्योंकि ये सारीज तैयार करना बहुत ही टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग और पेशेंस का काम होता है। ऐसे कारीगरी में एक्सपर्ट कारीगर मिलना आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, इसीलिए अब ये सारीज पहले जितनी क्वांटिटीज में नहीं बनती। अब बस ये एक कलेक्टर्स आइटम बन के रह गई है। पासी फैमिली के हेयरलूम माने जाने वाली ये सारीज अब बहुत ही रेयरली मार्केट्स में मिलती है। द यूनिक थिंग अबाउट दी सारीज इज ये मशीन की मदद से डिजाइन नहीं की जा सकती, और शायद इसीलिए आजकल इनका इजीली अवेलेबल होना मुश्किल हो गया है। पर सच में जिन जिन लेडीज के पास ये सारीज होती है ना, वो किसी ट्रेजर की तरह ही इन्हें संभाल के रखती है, इतनी प्रेशियस सारीज है ये। ईयर 1999 से द पैरजोर फाउंडेशन, यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से इस क्राफ्ट को रिवाइव करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस आर्ट फॉर्म में इतने यूनिक पीसेस डिजाइन किए गए हैं कि वो सारे डिजाइन हमारे कारीगरों की एक्सपर्टीज और मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी इस लगन और टैलेंट को प्रिजर्व करना मतलब हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। इस एम्ब्रॉयडरी से सारीज के साथ साथ स्कार्फ्स और बैग्स भी बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इस आर्ट फॉर्म को एक्सटिंक्ट होने से बचाना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द पारसी एम्ब्रॉयडरी। आई होप यू एंजॉयड दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हैव गॉट न्यू इनसाइट्स अबाउट दिस टेक्सटाइल हेरिटेज। ऐसे ही और एंडेंजर्ड आर्ट फॉर्म्स और कल्चर्स के बारे में जानने के लिए हमारे माइंड वॉश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ये इंटरेस्टिंग सीरीज। सी यू।